लेके आ गए हैं एक नई वीडियो आपके लिए, और आज हम आपको बताने वाले हैं Realme Buds Q2 Neo के बारे में। 1500 रुपये में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और अभी हम आपको इसका रिव्यू करके दिखाएंगे और इसको अनबॉक्स करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसके बॉक्स को हम देखेंगे, तो इस आपको देखो साइड में लिखा हुआ है 20 आवर्स का लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ, 10 mm लार्ज बेस बूस्ट ड्राइवर है इसके अंदर, और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये, तो इसीलिए 10 मिनट चार्ज करेंगे तो 120 मिनट प्लेबैक करेगा। यानी कंपनी ये कहती है कि 10 मिनट आप अगर इसके चार्ज पर लगाते हैं तो 2 घंटे के लिए आप कर सकते हैं। और इसी तरह ये 88 ms सुपर लो लेटेंसी मोड है गेमिंग के लिए, और इंस्टेंट कनेक्शन है ये ऑप्शन, तो चलो कोई खास बात नहीं है। मेन है इसमें इन्वायरमेंट नॉइज कैंसिलेशन फॉर कॉल्स। तो ये क्या है कि जब भी आप कॉल के दौरान किसी से बात कर रहे हैं तो आपका जो आसपास का शोर है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो अभी हम आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। इसकी बैक साइड में देखिए तो ये स्टिकर लगा हुआ है जिसके अंदर कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के बारे में बताया गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, MRP वगैरह, सीरियल नंबर वगैरह सारा दिया गया है। और यहाँ पे वर्क्स विद Realme लिंक के बारे में बताया गया है। Realme लिंक जो है आप अपने प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो, और आप इसे उसमें जो भी इसकी कोई ईयरबड्स की सेटिंग्स है वहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हो। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं। हमने ब्लू कलर का मंगाया है, तो ये देखिए इस टाइप की ईयरबड्स हैं, बहुत ही प्यारी ईयरबड्स हैं। ये देखिए बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे ये चार्जिंग का लाइट दिया गया है, ये चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे, और ये इसकी वायर है इसके साथ। ये देखिए माइक्रो चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये इसका मैनुअल है और इसके अंदर सारे फीचर्स वगैरह सारे बताए गए हैं इसके अंदर। ये देखिए पेयरिंग मोड कैसे होता है, कनेक्शन कैसे करना है, ये इसका टच कंट्रोल है, ये इसे Realme लिंक के अंदर आप इसे कैसे करना है, वो सारे फीचर जो है इसमें बताए गए हैं। तो ये इसका टच का ऑप्शन है, अभी हम टच के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो टच के बारे में इसमें ये है कि डबल क्लिक करते हैं तो आपका अगर म्यूज़िक चल रहा है तो पॉज हो जाएगा, और अगर पॉज है तो वो प्ले हो जाएगा। इसी तरह जब कॉल आ रही है और आप इसे 2 टाइम टच करते हैं तो कॉल पिक हो जाएगी, और अगेन 2 टाइम टच करते हैं तो कॉल जो आपकी चल रही है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हाय, 3 बार अगर आप इसे टच करेंगे तो गाना सॉन्ग जो है वो नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाएगा, और अगर आपने इसे लॉन्ग प्रेस करके रखा 2 सेकंड के लिए तो इसकी जो आपको जो इनकमिंग कॉल आ रही है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर दोनों ही ईयरबड्स को आपने 2 सेकंड के लिए एक साथ टच करके रखा तो गेमिंग मोड के अंदर एंटर हो जाएगा, यानी कि लो लेटेंसी मोड इसमें जो है स्टार्ट हो जाएगा, और अगेन आप 2 सेकंड के लिए दोनों को एक साथ प्रेस करके रखते हैं तो गेमिंग मोड से बाहर आ जाएगा। तो ये है फीचर, बहुत ही कमाल के फीचर हैं, और कनेक्शन भी बहुत ही इजीली हो जाता है ब्लूटूथ में जाके सर्च करके। साउंड भी इसका बहुत अच्छा है, और अगर आपको 1500 रुपये के बजट में कोई भी एक ईयरबड का, ये जो ईयरबड है बहुत ही अच्छा ईयरबड है, बिल्कुल न्यू मॉडल है ये, और विद बिल आता है ये, और 1 साल की इसकी वारंटी भी मिलती है कंपनी की तरफ से। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपको ये 1500 रुपये में लेना हो तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, साउंड क्वालिटी के मामले में और बैटरी बैकअप के मामले में। तो अगर जैसे पूछा जाए तो इस बजट में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर आप गाइस ये लेना चाह रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी हम इस तरह की जो वीडियो हम आपको ला के दिखाते हैं अलग अलग गैजेट्स के साथ, तो आप उसको आपको देखने को मिलती रहे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।